हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं कि देश में टीबी के लिए दी जाने वाली दवाओं की कमी हो गई है। इस खबर के सामने आने के बाद टेंशन बढ़ना स्वाभाविक था। अब यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि दवाओं की कमी की रिपोर्ट्स में कोई तथ्य नहीं है और देश में टीबी के पेशेंट्स के लिए सफिशियंट दवाइयां हैं। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, ये एक इन्फेक्शियस बीमारी है जो आमतौर पर फेफड़ों पर हमला करती है। धीरे धीरे ये दिमाग या रीढ़ सहित शरीर के बाकी हिस्सों में भी फैल सकती है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण हर साल दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत होती है। एक आंकड़े के अनुसार साल 2021 में टीबी के कारण कुल 1.6 मिलियन यानी 16 लाख लोगों की मौत हुई थी। भारत में इस बीमारी से हर साल लगभग 4 लाख भारतीयों की मौत होती है और इससे निपटने के लिए सरकार सालाना लगभग $24 बिलियन यानी लगभग 17 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। भारत सरकार टीबी को लेकर अग्रेसिवली काम कर रही है और 2025 तक भारत से टीबी को खत्म करने का लक्ष्य बनाया है। साल 2022 में भारत में टीबी के कुल मरीजों की संख्या 21.42 लाख दर्ज की गई थी। ये आंकड़े 2021 के मुकाबले 13% ज़्यादा थे। इसे देखते हुए साल 2023 में ये आंकड़े और बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में देश में टीबी की दवाओं की कमी गंभीर समस्या हो सकती है, लेकिन मीडिया में टीबी की दवाओं की कमी की रिपोर्ट को खारिज करते हुए केंद्र सरकार ने क्लैरिफाई कर दिया है कि सरकार के पास टीबी की दवाओं का सफिशियंट स्टॉक है। टीबी की दवाओं के लिए आमतौर पर 4 महीनों का डोज दिया जाता है, जिसे 4FDC कहते हैं। इसमें आइसोनाइजिड, रिफैम्पिसिन, इथैम्ब्यूटॉल और पिराजिनामाइड शामिल होते हैं। इसके बाद 2 और महीनों का डोज दिया जाता है, जिसे 3FDC कहते हैं, जिसमें आइसोनाइजिड, रिफैम्पिसिन और इथैम्ब्यूटॉल शामिल हैं। कुछ केसेस में पेशेंट्स को साइक्लोजरीन और लिनेजोलिड ड्रग की भी ज़रूरत होती है। NTEP यानी नेशनल टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम के तहत सरकार टीबी के सफिशियंट स्टॉक्स को मेंटेन करने और समय समय पर प्रभावित लोगों और क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। सरकार के मुताबिक इसमें कई दवाइयों के अगले 15 महीनों तक के स्टॉक अवेलेबल हैं और कुछ दवाइयों के लिए अगस्त में ही ऑर्डर प्लेस किया गया है। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात ये है कि सरकार तो अपनी तरफ से दवाइयों को हर स्टेट में डिस्पैच करती है, लेकिन क्या राज्य सरकारें इन दवाइयों को अच्छी तरह से समय पर ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचा पाते हैं? कहीं इन्हीं समस्याओं की वजह से ही तो दूर दराज इलाकों में टीबी की दवाओं की कमी पाई जाती है? इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच, बैठ के सोच।